सभी को मेरा सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान का पठन करेंगे। इससे पूर्व ऋतुराज के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। उनका जन्म 1940 में भरतपुर में राजस्थान में हुआ था और यदि हम उनकी कविताओं पर नजर डालें तो उनकी कविताएं दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थी कहलाती हैं और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर ही चर्चा करते थे। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के सामान्य शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है और उनकी भाषा अत्यंत ही अति सरल सहज है और उनकी हर कविता को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वो सभी कविताएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं कविता कन्यादान। कन्यादान में माँ की अंतिम पूंजी। माँ की अंतिम पूंजी कौन है? उसकी बेटी। माँ कहती है कि उसके आंगन की खुशबू बन जाती है दूसरे के आंगन की खुशबू। अर्थात इस कविता में कवि ने माँ की अंतिम पूंजी उसकी बेटी को बताया है और बेटी के माँ बेटी जो है वो माँ के बहुत निकट होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है, इसलिए उसकी अंतिम पूंजी कहा है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। तो ये देखते हैं कि कवि क्या कहता है। एक माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तो वो अपने दुख का कहती है कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त। तो कवि कहता है कि माँ को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रमाणिक का मतलब है स्वाभाविक तरीके से, प्रमाणिक का तात्पर्य है वास्तविकता से, प्राकृतिक से, नेचुरल जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं, कि माँ जब विदा करती है अपनी बेटी को दूसरे के हाथ सौंप देती है तो उसका दुख जो है वो अत्यंत ही स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है। पर लड़की को दान देते हो, यहाँ पर दान देने की बात हम करेंगे। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ जिसका अर्थ है कि लड़की कोई वस्तु नहीं है जिसका दान किया जाए, दान हमेशा वस्तुओं का होता है, लड़की का नहीं। अब इस कविता का अंत में हम देखेंगे कि माँ क्या कहती है कि जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। अब माँ की अंतिम पूंजी मैंने अभी जैसे पहले बताया कि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं थी, अर्थात तो उसकी बेटी अभी बड़ी नहीं हुई, अभी इतनी भोली और सरल है, अर्थात तो वो इतनी सीधी सादी है कि उसे सुख का आभास तो होता था, अर्थात तो उसे जीवन में सुख के बारे में तो जानकारी थी, है ना, लेकिन जीवन में आने वाले दुखों से वो अभी अपरिचित थी, उसे दुखों का बांचना नहीं आता था, उसे दुखों के बारे में जरा सा भी एहसास नहीं था, क्योंकि बेटी केवल माँ के घरों में ही सुख का आभास करती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पुस्तकों और लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जो लड़की छोटी है, अभी अल्पवयस्क है, जो अपने परिवार में माँ के सानिध्य में पोषित बचपन जैसी कल्पनाओं को संजोए हुए होती है, उसे दुखों का सुखों का भोगा था परंतु दुखों से पूर्ण रूप से अनजान थी, अभी उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, अर्थात वह केवल सुख की कल्पना कर सकती है। दुखों और लयबद्ध पंक्तियों का मतलब है कि जीवन के सुखों को एहसास करना, अर्थात उसे अपने भविष्य की कोई भी रत्ती भर कल्पना नहीं थी। माँ की आज ये परेशानी है या ये दुख है कि वो आज अपनी बेटी को विदा करते समय उसको इतना दुख हो रहा है कि मेरी बेटी जब दूसरे घर जाएगी तो वहां के दुखों को कैसे सहन कर पाएगी, कैसे देख पाएगी, जो उसके सामने मुसीबतें आएंगी उनका सामना वो कैसे कर पाएगी। आज ये दुख उसका प्रमाणिक है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपनी बेटी को आज विदा कर रही है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आप पढ़ करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे अभ्यास कार्य में। आगे बढ़ते हैं। इस काव्यांश में माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, वो उसे बताना चाहती है कि पराए घर में जाकर तुझे क्या करना है,
तो कहती है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीछना। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीछना, अर्थात पानी में झांक कर का मतलब है शीशे में। जब लड़की का विवाह होता है तो उसके सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, तो माँ कहती कि बेटा अपने चेहरे को देखकर खुश मत होना कि आज मेरा सौंदर्य बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सुंदर दिख रही हूँ, है ना, इस पर मोहित मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तुम ससुराल में अपने घर में आग जलाना केवल रोटियां सेकने के लिए, खुद मत जलना। यहाँ पर कभी जलने से अभिप्राय दहेज प्रथा की बात करता है। क्या समाज में दहेज प्रथा के प्रति अनेक लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है? तो माँ यहाँ पर शिक्षा दे रही है अपनी बेटी को कि बेटी तुम आग जलाना केवल रोटियां सेकने के लिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की, और ये वस्त्र और आभूषण जो है वो लड़की के शाब्दिक भ्रम जाल है, अर्थात बंधन है, क्योंकि हर व्यक्ति उनको अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र पहनती है, वो आभूषण पहनती है, तो हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आज बहुत अच्छी लग रही हो। ये शाब्दिक भ्रम जो है ये स्त्री के जीवन के बंधन है, वो इसे स्वतंत्र नहीं रहने देते, अर्थात इन भ्रमों में, इन आभूषणों और वस्त्रों के जाल में मत फंसना। और यही भ्रम स्नेह का आभास कराकर बंधन में जकड़ लेते हैं, तो हम तुम्हें इन बंधनों से मुक्त रहना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कहती कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह मर्यादित जीवन का व्यवहार जरूर करना, पर किसी सामान्य कमजोर लड़की की तरह अत्याचार सहने के लिए अपनी दुर्बलता कभी भी मत दिखाना। लड़की हो पर कोमल नहीं हो, यहाँ पर आपको संघर्ष करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी ताकतवर बनना पड़ेगा। तो तुम लड़की रह करके लड़की के कार्य तो करना, उनकी मर्यादाओं का व्यवहार में पालन तो करना, लेकिन हर तरह के शोषण का साहस पूर्वक मुकाबला भी करना। इस बात का एहसास मत होने देना कि मैं कमजोर हूँ। इस प्रकार की शिक्षा माँ अपनी बेटी को देती है और कहती है, वो क्योंकि वो चिंतित है अपनी बेटी के भविष्य के लिए, तो वो कहती है कि तुम अपने जीवन में हर संघर्ष का सामना साहस के साथ करना। यहाँ पर भी इस काव्यांश से संबंधित आपको प्रश्न दिए गए हैं, शब्दार्थ दिए गए हैं, जिनका आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और उनका हल करेंगे। यदि आपको किसी प्रश्न का या कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर और कॉल करके पूछ सकते हैं। अब आपने देखा कि इस कविता के अंतर्गत जो प्रश्न चिन्ह लगाया था आरंभ में, मैंने आपको बताया था कि लड़की क्या है, वस्तु नहीं है, है ना, लड़की क्या है, वस्तु नहीं है, क्योंकि दान वस्तुओं का होता है, लड़कियों का नहीं। तो यहाँ पर कविता का जो शीर्षक है कन्यादान, उसकी जगह हम क्या कह सकते हैं, पानी ग्रहण, है ना, कविता को हम क्या कह सकते हैं, पानी ग्रहण, पानी मतलब हाथ का देना, ग्रहण करना। तो वर पक्ष जो है वो कन्या पक्ष का पानी ग्रहण करता है, हस्त को अपने, उसके हाथ को अपने हाथ में संभालता है। इसलिए इस कविता में, इस कविता का शीर्षक जो है वो कन्यादान ना होकर क्या होना चाहिए, पानी ग्रहण होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मस्तिष्क में या आपके विचार में कोई और शीर्षक आता है तो आप उसका शीर्षक अवश्य लिखेंगे। और इस कविता में कवि ने यहाँ पर माँ की वेदना को बताया है। हिंदी की अगली कक्षा तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।